नमस्कार, कैसे हैं आप सब। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो एक याचिका डाली गई थी कि फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होनी हैं उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए ड्यू टू कोविड-19 और वर्तमान में जो महामारी है बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है वो आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा है जो UGC ने कहा है, यानी कि 30 सितंबर तक हर राज्य को अपने यहाँ विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ या फिर अंतिम सेमेस्टर की जो परीक्षाएँ हैं वो करानी होंगी। तो यहाँ पर जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने UGC के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराई जाएं। और अदालत ने यह भी कहा कि राज्य अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बिना छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। कई याचिकाओं में कोरोना संकट के बीच परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी और याचिकाओं में छात्रों के सामने आने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए कहा गया था कि सभी जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो वायरस के संकट के कारण बंद हैं, इसलिए परीक्षाएं जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराई जा सकती हैं और जब तक UGC ना कहे कोई भी राज्य अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बिना छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकता है। तो ये थी अब तक की पूरी अपडेट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो परीक्षाएँ होनी है फाइनल ईयर की वो परीक्षाएँ होंगी। तो ये थी आज तक की पूरी अपडेट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।